a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed. I just wanna run away on vacation. I don't know what else to say now. I just need to know the pain. सो ऑल राइट यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम्स। तो भाई देखो, बर्फ पड़ी हुई है, यह है किचन और वहाँ हम रुके हुए हैं। मैं आपको रजत भाई को दिखाता हूँ, वो है रजत भाई हमारे धूप लेते हुए। बट जो मेन मकसद है मेरा यहाँ खड़े होने का वो है, देख रहे हो भाई व्यू है ना, प्रेटी ऑसम। तभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर भी बर्फ देखने को मिलेगी और यहाँ इंजॉय कर रहे हैं चाय। तो मेक श्योर आप भी सुबह सुबह ये वीडियो देखते हुए चाय पिएं और इस खूबसूरत नज़ारे के मज़े लें। भाई आज यहाँ बहुत ठंडी थी पूरे बर्फ़ के बीच, अच्छा हुआ हमने रूम लिया, नहीं तो हमारी वाट लग जाती। तो भाई वॉशरूम के लिए, पानी के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, ये पानी आ रहा है यहाँ भरो। और भाई यहाँ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, भयंकर ठंडा पानी होने वाला है ये। व्लॉग व्लॉग करते हुए आप इनका व्लॉगिंग सेटअप, व्लॉगिंग सेटअप देखो आप इसका, ये शॉटगन माइक देख रहे हो सीधे हाथ के पास। सही है गुरु, करते रहो जुगाड़ पे तुझे और क्या। मेरा नाम है कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कस्टम्स। सो भाई कैसे हो आप लोग, सब हाल चाल सब बढ़िया ना। तो देखा आपने कल रात में हम लोग आ गए थे, रूम में रह लिए थे और उसके पहले जो आपने अभी इंट्रो का वीडियो देखा तो लगा ना सिनेमैटिक। तो हम लोग उठ गए हैं यहाँ से, 800 मीटर और है कल्याणी टॉप। बट हमारे जो रजत भाई हैं उनके पैर में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि वो लिंगामेंट का कुछ है प्रॉब्लम। तो ओ भाई मेरे पे मत डाल। अच्छा ठीक है। तो भाई ऐसा है सीन कि हम लोग थोड़ा लेट भी हो रहे हैं, हम लोग को घर वापस भी जाना है। जो 800 मीटर से भी जो व्यू है वो यहाँ से भी व्यू है गाइस। तो आज हम यहीं पे स्टे कर रहे हैं, मतलब आज यहीं पे रहेंगे और यहीं से नीचे निकलेंगे क्योंकि 4 किलोमीटर हमें नीचे जाना है। बर्फ है हमारे पीछे, यहाँ पे हमने अभी चाय पिया है। ये कॉस्मो करके है, इनका जो ट्रैक का वो है एक एजेंसी है, तो इसके अंडर हम लोग रुके हुए थे। 1000 रुपये में रूम था, अच्छा हुआ भाई हमने रूम लिया, नहीं तो आप देख सकते हो वो है कैंप और ये है बर्फ। भाई कुल्फ़ी जम जाती कुल्फ़ी, लेकिन अच्छा हुआ रूम ले लिया भाई। ठीक है 250-300 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन भाई जिंदा घर पहुँचे। तो उसी के लिए आज का व्लॉग यही होने वाला है, पूरा बर्फ़ बर्फ़ एंजॉयमेंट सिनेमैटिक सारी चीज़ें। तो भाई मेक श्योर इस चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और क्या। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है, आगे व्लॉग के मज़े लो। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बर्फ़ की तलाश में, बर्फ़ में जाने का रास्ता ढूंढते हुए। ओ माई गॉड, आज ये भाई साहब कूदेंगे नीचे, वहाँ ऊपर हम ट्रांजिशंस बनाएंगे और खूब मस्ती करेंगे और आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। ओ भाई चलो, अच्छा हुआ फॉग पूरा हट गया है माउंटेन से, तो व्यू बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। नेक्स्ट लेवल माय बॉय। यहाँ देखो जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से आ रही है क्योंकि, और नहीं तो सोलर, सोलर पैनल है नहीं तो सोलर पैनल से आती है। तो जितना हो सकता है सोलर पैनल से आ जाता है, बट कुछ इमरजेंसी केस होता है जब लाइट नहीं रहती तो जनरेटर चालू होता है। जैसे अभी ये इनका किचन और अंदर भी है किचन, यहाँ हमने सुबह चाय पी थी। पहले नीचे चलते हैं, खलियांडी टॉप है ये गाइस, मुंसियारी से ऊपर लगभग 5 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर ऊपर आए हुए हैं हम। और भाई क्या ही बोला जाए, जनरेटर की आवाज़ और बाकी सब तो ठीक ही है, बाकी सब बढ़िया है। पानी लेने के लिए हम लोग यहाँ आए थे जैसे मैंने आपको बताया। ओ भाई फुल पानी था ये, मज़ा आ गया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। और भाई आ गए हम स्नो पे, स्नो एवरीवेयर, व्यू देखने को मिल रहा है ना आपको, बहुत ही ऑसम। ये होता है गाइस व्लॉगिंग लाइफ। After all this time,
क्लोज कॉल, मजा ही आ गया है, फुल एंजॉयमेंट बर्फ पे, और क्या चाहिए। पीछे आप देख रहे हो द ग्रेट हिमालय, बहुत ही सुंदर लोकेशन, बहुत ही। ऑलराइट गाइस, तो यही था मजा आज बर्फ का और ये खलिया टॉप का। अब हम लोग निकलेंगे दिल्ली के लिए, तो जितना हो सके दिल्ली तक खींचेंगे आज। हाँ, थैंक यू सो मच, आप लोग का इतना प्यार इतना सपोर्ट मिला है हमारे YouTube चैनल के। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, इसी चीज़ के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे यहाँ आने की, पैसे पसीना बाइक मेहनत खाना पीना सब छोड़ छाड़ के सब। भाई बहुत मज़ा आ गया, बहुत सारी बातें मतलब एक्सपीरियंस हुई ट्रैवल करके, और भी जो सारी बातें हैं वो आपको अभी इस ब्लॉग यहाँ ख़त्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें डाउनहिल भी जाना है, बाइक भी उठाना है, चेकआउट भी करना है, निकलना भी है, तो वो भी सब आता ही रहेगा, ऐसे नहीं ब्लॉग बंद होगा। बट ये वीडियो यहाँ का यही समाप्त होता है, और जो नेचुरल ब्यूटी है जो कैमरा में नहीं दिख रही है ना, आप एक बार अपनी आँखों से यहाँ आके देखना, नेकेड आइज, नंगी आँखों से, तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई कैमरा वैमरा कुछ कैप्चर नहीं कर पाता यार, जो फील हो रहा है ना यहाँ पे, जो टेम्परेचर में रह के हम देख रहे हैं उसकी बात ही अलग है। और कैमरे में ना बहुत ज़्यादा पास, बहुत ज़्यादा दूर दिख रहा है पहाड़, बट ये हमारे लिटरली इतने पास है, मतलब बहुत पास है, ये बहुत पास है, मतलब मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर, 2.5 या 3 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर मैक्सिमम, बट कैमरे में ऐसा लग रहा है कि 10 किलोमीटर दूर है, परवाही है नहीं है। एक हमारे साथ वो हो गया कि हम इतना आए, बट गवर्नमेंट या जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें मना कर दिया है कि बर्फ अभी बारी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहीं पे देख रहे हो बर्फ़ है, तो वहाँ पे कैसा होगा, पूरे रोड जैम है, पूरी ब्लैक आइस है, तो गाड़ी भी नहीं चला सकते ना, रेलिंग्स है सीधे, मौत है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे। भगवान की कृपा से हमको यहाँ बर्फ़ मिल गई, हमने यहाँ अपना सपना पूरा किया बर्फ़ में खेल के, तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आगे। आगे पहाड़ है, थर्मा वैली करेंगे ज़रूर, यह ऐसा नहीं है कि हम आखिरी बार ही आ रहे हैं, जब मन किया GT उठाए, इंटरसेप्टर उठाए, नाप दिए भाई, और 650 ट्विंस जो थी ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी, अभी तक चल रही विदाउट एनी पंचर या कोई दिक्कत, पर भगवान भाई को बहुत मिस किया यार। हाँ यार, हमारा ध्रुव भाई को हमने बहुत मिस किया, अब ध्रुव भाई भी रहते हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छा लगता, पर वो अभी उनका कॉलेज वॉलेज चल रहा है, वही ट्रिप पे वही होंगे हमारे साथ। हाँ, लद्दाख ट्रिप पे हमारे साथ ध्रुव भाई आएंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं, लद्दाख वाले ट्रिप में ध्रुव भाई को लेंगे। हेलो भाई, बल्लू कैसे हो, आ जाओ। All right boys, तो अब निकला जा रहा है, चाय की आखिरी चुस्की बोल रहा हूँ, चुस्की लिया हमने, और ट्राइपॉड आईपॉड उठा लिया, जो पिक्चर्स लेनी थी ले लिया, अब यहाँ से पैकअप करते हैं और चलते हैं नीचे डाउनहिल की तरफ, देखते हैं। आने में तो भाई 4-5 घंटे लग गए, उतरने में थकावट नहीं होगी, बस आराम से संभलते हुए निकलना है, तो मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे में नीचे पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ होटल में जहाँ हमारा सामान रखा है वो सब चेकआउट करके दिल्ली के लिए रवाना होंगे, और देखते हैं आज का हमारा स्टॉपेज कहाँ होता है। बाय मुकू, बाय, इधर देखो, अरे वो आएगा मुकू हमारे साथ चलेगा। ये होती है डॉग की सबसे अच्छी चीज़, मुकू हमें सी ऑफ करने आ रहा है नीचे तक, मतलब इनको एक बार क्या प्यार कर दो, ये हमेशा आपके साथ हो जाते हैं, है ना मुकू, मेरा मुकू, आई लव यू मुकू, इसका नाम मैंने मुकू दिया है, जियान का डॉग। चलो आ जाओ, आ जाओ हमारे साथ साथ चलेगा, जाओ चलो 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 मुकू, चलो मुकू, तुम जा सकते हो, तुमको वापस ऊपर जाना रहेगा, मेरे को ट्रैवल पार्टनर मिल गया, मुकू है मेरा ट्रैवल पार्टनर, और एक बड़ा वाला मुकू, सेट ये मुकू हमारे साथ चल रहे हैं भाई, यस चलो मुकू मुकू चलते रहो, आ जाओ भाई, आप देख रहे हो हमारे मुकू भाई इतना साथ दे रहे हैं, वो रहे हमारे मुकू भाई, वो जा रहे हैं हमको पूरा नीचे तक छोड़ के ही मानेंगे वो। मुकू चलो, आगे का रास्ता हमें नहीं पता, जल्दी आओ, चलो चलो चलो। और गाइस, तो लगभग 2.5 किलोमीटर हम लोग नीचे आ चुके हैं, और मुकू हमारा पूरा साथ दे रहा है, देख रहे हो पूरा रास्ता हमें बता रहा है कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप, रेस्ट लेना है बेचारा, वो भी रेस्ट लेते ले लेता है, उसको भी बिस्किट खिला देते हैं, हम भी बिस्किट खा लेते हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर और है, मे बी 1 घंटा और लग सकता है,
टाइम हो गया है, लगभग 12 बज गए हैं। हमने सोचा था 12 बजे तक एनी हाउ नीचे पहुंचना है, बट अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ट्रैवल में अब क्या बोला जाए। तो जैसे ही नीचे पहुंचेंगे वहां चेकआउट करेंगे, वहां से सामान फिर पूरा बाइक में लदाना है, मतलब 2:30 बज जाएगा, 2:30, और फिर निकलेंगे हम अपना दिल्ली के लिए। तो कौन सा रूट पकड़ते हैं, कितना टाइम लगता है, वो सब आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। बट हमारा मुकू भाई जो है बहुत मज़े ले रहा है भाई। हाँ वेरी गुड, चलो 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 चलो। बिस्किट खाओगे? चलो अभी नीचे चल के देते हैं। ओह फाइनली भाई आ गए। देखो चढ़ने से जल्दी उतरने में टाइम लगता है, जल्दी फटाफट उतर गए। रजत भाई के लिए रुके, रजत भाई, अगर हम रजत भाई के लिए रुक जाते हैं ना तो वो भी रुक जाते हैं, तो इसे हम चलते हुए आ गए। अब उनको झक मार के आना पड़ेगा हमारे पीछे। बस पहुंच गए भाई, वाट लग गई, कल इतने टाइम ही हम लोग चढ़ रहे थे। देखो भाई हमने यहीं से स्टार्ट किया था, वहीं से नीचे आया, रजत भाई आ रहे हैं। हमारा मुकू रजत भाई के साथ है, और देखो हमें क्या मिल गया, ये लिटिल प्रिंसेस। हेलो, कितना क्यूट है, कितना फ्लफी है, ये कितना फ्लफी है। अब वेट कर रहे हैं हम रजत भाई का और मुकू का, जल्दी आए फिर हम यहाँ से चले। भाई मतलब मैं तो फुल डॉग लवर हूँ यार, फुल डॉग लवर है ना। हो ना, देखो कितना क्यूट है ना, क्यूट। इसका मेरी शक्ल एक है, ये मेरे से ज़्यादा क्यूट है ना। मामा आ गए, सेलमोन भाई आ गए। चलो आना तो हो गया। ऑलराइट गाइस, तो फिर फाइनली हम लोग नीचे आ चुके हैं। आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 घंटे लगे। टांगा तो हार गए, 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोग आ गए नीचे विदाउट थके। तो चलो अच्छा कि भाई थके भी नहीं है। रजत भाई का वेट कर रहे थे, रजत भाई भी आ गए हैं, और अभी यहाँ से चलेंगे सीधे होटल, वहाँ से चेकआउट करेंगे, सामान सब बांधेंगे, पूरा ये बंजी लगी हुई है, और आज ही के आज निकलेंगे। अभी कुछ खाया नहीं है सुबह से, मॉर्निंग से, तो अभी आलू पराठा खाएंगे या जो देखा जाए वो खाया जाएगा। तो यहाँ 2 व्लॉगर्स भी आए हुए हैं, एक 390 लेके और एक हिमालयन लेके, जिसमें लिखा है राजन व्लॉग्स, शायद मैंने इनका नाम सुना है। तो चलो अब पैकअप करते हैं और सीधे मिलते हैं नीचे होटल के पास। बाकी काफ़ी मज़ा आ गया भाई यहाँ एक्सप्लोर करके। ये था हमारी आज फाइनल डेस्टिनेशन, और काफ़ी मज़ा आ गया। अभी तो सब ठीक ही है, अब जा रहे हैं अपनी बाइक्स के पास, फिर वापस से टॉप अप करेंगे, सारी चीज़ बांधेंगे और फिर निकल चलेंगे दिल्ली की ओर। आज हमारा मतलब मैक्सिमम यही है कि हमको सीधे नैनीताल रुकना है, अल्मोड़ा वगैरह नहीं रुकना है, कुछ कॉन्टेंट नहीं बनाना है ज़्यादा से जितना हो सके, हमको सीधे नैनीताल गाड़ी लगानी है, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी लेट हो गया, 2 बज गए हैं। तो हमारे पास देखा जाए तो सिर्फ 4 घंटे हैं, और उसके ऊपर हमारे ऊपर है कि चलाना है कि नहीं, जो कि चला लेंगे और मिस करेंगे तो ये वाला व्यू, ये व्यू यार मिस करेंगे, बहुत ही खूबसूरत। वो तो अच्छा है हमारे टाइम में क्लाउड्स नहीं आए थे, हमको तो पूरा माउंटेन्स देखने को मिल गया।